एक था मोहन। चैप्टर 15। अहिंसक आंदोलन में महिलाएं भी आ सकती हैं। हरमन कालनबाक एक गोरे वास्तुकार थे। बड़ी बड़ी इमारतों की योजना बनाते थे। उनका शरीर शक्तिशाली था, खेलने दौड़ने में भी माहिर, हाथ के कामों में कुशल और पहलवानी भी करते थे। उनका जन्म यूरोप में एक यहूदी परिवार में हुआ था। यहूदी धर्म के लोगों के साथ यूरोप में उस समय बहुत अत्याचार होते थे, इसीलिए हरमन जैसे बहुत से यहूदियों में दूसरे दबे कुचले लोगों के लिए सहानुभूति थी। उनके एक आग्रह ने उन्हें अपने वकील मोहनदास से मिलवाया। दोनों में जल्दी ही गाढ़ी दोस्ती हो गई। आगे चलकर हरमन गांधी परिवार के साथ ही रहने लगे थे। वे मोहनदास के सबसे करीबी सहयोगी बन गए। सत्याग्रह की लड़ाई और वकालत दोनों मिलाकर मोहनदास पर काम बहुत ज्यादा आ गया था। उन्हें आराम का समय ही नहीं मिलता था। तब उनके दोस्त हरमन ने उन्हें मनाया कि एक टाइपिस्ट को नौकरी पर रख ले, किंतु लिखाई पढ़ाई के काम करने वाले तो गोरे लोग ही थे, काले लोगों में ये काम करने वाले मिलते ही नहीं थे, और कोई गोरा व्यक्ति मोहनदास जैसे काले व्यक्ति के यहां नौकरी करने को राजी कैसे होता। हरमन ने एक यहूदी युवती को उनके यहां काम पर लगवा दिया। उसका नाम सोनिया था और उसकी उम्र थी 17 साल। उसे काम सिखाने में हरमन और मोहनदास को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि सोनिया जिद्दी थी, उसमें बचपना था, जो उसके मन में आता वही करती। कभी कभी तो अपमानजनक बातें यूं ही तू तड़ाक कह देती, किंतु वो बहुत मेहनती थी और ईमानदार भी। जैसे ही उसे अपनी गलती समझ आती, बिना देर किए वो उसे ठीक कर देती थी। उन दिनों चिट्ठी पत्री टाइपराइटर पर टंकित होती थी। मोहनदास की लिखाई बहुत खराब थी, पढ़ने में मुश्किल आती थी, लेकिन सोनिया उसे पढ़कर चिट्ठियां फुर्ती से टाइप करती थी। जल्दी ही मोहनदास का सोनिया पर भरोसा जम गया। जरूरी से जरूरी काम भी उसके जिम्मे छोड़ दिया जाता था। उसकी कड़ी मेहनत की वजह से मोहनदास ने उसे बड़ी तनख्वाह देने का प्रस्ताव रखा। सोनिया ने मना कर दिया। जवाब दिया, मैं वेतन लेने के लिए यहां नहीं आती हूं, मुझे आपके साथ ये काम करना अच्छा लगता है, आपके आदर्श मुझे पसंद है, इसलिए मैं यहां टिकी हुई हूं। बाद में गांधी जी ने सोनिया के बारे में लिखा, जितना त्याग का भाव सोनिया में था, उतनी ही वो निर्भय भी थी। चौंधिया देने वाली वीरता थी उसमें, ऐसी कि किसी भी वीर से वीर पुरुष को पछाड़ दे। सत्याग्रह के दौरान जब सभी भारतीय पुरुष जेल में थे, तब वकालत से लेकर हिसाब किताब ही नहीं, अखबार का संपादन भी सोनिया कर लेती थी। सोनिया जैसी महिलाओं ने मोहनदास को यकीन दिला दिया था कि औरतें किसी भी तरह आदमियों से कम नहीं होती। केवल गोरी महिला ही नहीं, तमिलनाडु से आए गरीब मजदूरों की पत्नियों में भी मोहनदास ने ऐसी ही वीरता देखी जब वे कस्तूरबाई के साथ जेल गई। जब औरतों ने ऐसी हिम्मत दिखाई तो आदमियों के लिए डर कर पीछे हट जाना मुश्किल हो गया था। इसके लिए यह जरूरी था कि हिंसा ना हो, क्योंकि मारपीट से चलने वाले आंदोलन में महिलाएं आगे नहीं आ सकती थी।